All over the world, 4 में से एक लोग halitosis या bad breath से सफर करते हैं. Hi, I'm Dr. Manya Kumaria. I am the chief dentist and founder at Dr. Manya's Dental Studio, situated in Panchkula, Haryana. आज हम बात करेंगे bad breath या फिर halitosis के बारे में, जिसे medical terms में fetal oris भी कहा जाता है. Now, coming back to India, it has been surveyed that 54% of Indians feel that they have self-perceived halitosis. What is self-perceived halitosis? Iska matlab hota hai ki unhe lagta hai ki unhe bad breath ki problem hai, jis wajah se wo conscious feel karte hain, but they are not really sure about it. To fir is baat ka pata hona ki aapko bad breath hai, hame bahut conscious feel karwata hai, kisi se baat karne mein ya socially apne aap ko presentable dikhane mein. जिस वजह से हमारी सेल्फ एस्टीम काफ़ी हिट होती है, जिस वजह से हमारी सोशल लाइफ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज रहती है. इसी का रीज़न है कि ऑल द स्टोर शेल्व्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स एज वेल एज अदर केमिस्ट शॉप्स आर ऑलवेज फ्लडेड विद गम्स एंड कैंडीज टू फाइट या मास्क हैलिटोसिस, दैट इज बैड ब्रेथ. तो इसी वजह से बैड ब्रेथ बिकम्स द थर्ड मोस्ट कॉमन रीजन व्हाई पीपल they prefer to visit a dentist, right? So, 3 में से एक लोग हमारे पास जब आते हैं उनको ये लगता है कि हाँ हमें कुछ कुछ bad breath की भी problem है. Bad breath के causes या reasons में जाने से पहले हम पहले एक छोटा सा test लेंगे, जिस वजह से हमें ये clear हो जाएगा कि हमें bad breath है या नहीं. इस करके हमारा self-perceived halitosis कुछ better हो जाएगा, right? टेस्ट कैसे करना है? What we do is we take the back of your hand. You take the back of your hand and lick it with your tongue. When you lick it, आपका जो saliva होगा, जो tongue पर present होगा, that will get transferred to the back of your hand. Wait for 10 seconds for the saliva to dry. 10 seconds में saliva dry हो जाएगा. उसके बाद उसे smell करिए. अगर आप उसे smell करते हैं और उसमें से आपको foul smell या bad smell आती है, that means you are suffering from bad breath. अगर इट इज फाइन, इट डजंट स्मेल बैड, यू आर गुड टू गो. नाउ वी नीड टू नो इज व्हाट वी नीड टू नो इज द थिंग दैट 90% ऑफ द रीजन, 90% कारण बैड ब्रेथ के ओरिजिनेट करते हैं माउथ से. सो इसी करके माउथ का हाइजीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू फाइंड बैड ब्रेथ. जो बाकी 10% रीजन्स हैं वो अलग चीजों से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे कि ENT प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम्स. तो अब हम बात करते हैं इनके कॉजेस एंड सॉल्यूशंस के बारे में. क्या लगता है सबसे बड़ा कॉज क्या होगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया, बिकॉज इट इज डेंटल रिलेटेड, 90% ऑफ द थिंग इज डेंटल रिलेटेड, दैट मीन्स द फर्स्ट मेजर कॉज इज पुअर ओरल हाइजीन. पुअर ओरल हाइजीन का मतलब है या तो आपको पायरिया है, गम डिजीजेज हैं, टीथ क्लीन नहीं है, देर आर डिपॉजिट्स ऑफ टार्टर एंड कैलकुलस जिन्हें क्लीनिंग की जरूरत है, इस वजह से पुअर ओरल हाइजीन है आपका. सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ पुअर ओरल हाइजीन दैट इज वेरी अंडर एस्टिमेटेड एंड नॉट रियली टॉक अबाउट इज द प्रेजेंस ऑफ अ फ्रोथी टंग. टंग की क्लीनिंग नहीं होती है तो फ्रोथी टंग रह जाती है, फ्रोथी टंग बन जाती है. फ्रोथी टंग क्या होता है? हमारी जो टंग का कलर होता है नेचुरली क्या होता है, रेडिश या पिंकिश. रेडिश पिंकिश टंग जब क्लीन नहीं हो पाती है तो उसके ऊपर फूड और बाकी चीजों के डिपॉजिट्स जमने लग जाते हैं, जिस वजह से उसका कलर टर्न आउट हो जाता है टू येलो और वाइट. येलो और वाइट जो वो पार्टिकल्स हैं, दैट इज द अनहेल्दी डिपॉजिट ऑन योर टंग, जिसके ऊपर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बाकी सारी डर्ट है, जिस वजह से आपको बैड ब्रेथ है. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? टू फाइट पायरिया एंड टू गेट अ बेटर डेंटल हाइजीन, visit a dentist to get cleaning of teeth done, that is called scaling. Apart from that, after you have got scaling done, maintain a good oral hygiene. Acche se toothbrushing kariye, use a couple of mouthwashes, do warm saline rinses to keep it really clean. How do we clean the tongue? Tongue maintenance has to be done by you at home. Use a tongue cleaner always after brushing your teeth to clean the tongue. Tongue cleaners kya hote hain basically? There are these devices which are safe to be used on tongue, जिससे tongue hurt ना हो.
बेस्ट डिवाइस दैट आई वुड सजेस्ट इज टेक योर टूथब्रश. टूथब्रश के बैक पर टंग क्लीनर दिया होता है विच इज द स्मॉल रबरी यूनिट, जिसे आप अपनी टंग में एक ही डायरेक्शन में क्लीन करें. धीरे धीरे जितने भी डर्ट होगी दैट गेट्स स्क्रेप्ड ऑफ, राइट? सो दिस वॉज द फर्स्ट कॉज. सेकेंड कॉज इज ड्राई माउथ. ड्राई माउथ बेसिकली क्या होता है, हमारे माउथ में हमेशा मॉइस्चर रहता है. इट ऑलवेज गेट्स वॉश्ड नेचुरली विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ स्लाइवा. स्लाइवा जब माउथ में प्रेजेंट नहीं होता है तो व्हाट हैपेंस इज कि माउथ की नेचुरल फ्लशिंग तो हो नहीं पा रही है, जिस वजह से माउथ बहुत ड्राई रह रहा है और जो टीथ हैं और गम्स हैं उनकी फ्लशिंग नहीं हो सकती. ठीक है, अब ड्राई माउथ के क्या कॉजेज हैं? बेसिकली इसके 3 to 4 कॉजेज रहते हैं. फर्स्ट थिंग इज नेचुरल. कुछ लोगों के माउथ में नेचुरल सलाइवा प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, सो वी कैन नॉट हेल्प इट. सेकेंड थिंग इज इट इज रिएक्शन टू सम मेडिसिन दैट यू आर टेकिंग. कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो सलाइवा प्रोडक्शन को कम कर देती हैं. थर्ड थिंग इज कि कुछ अंडरलाइन डिजीजेज होते हैं जिन करके व्हाट हैपेंस कि आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं और सलाइवा अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. फोर्थ थिंग इज एज अ रिजल्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी. नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू दिस? द फर्स्ट सॉल्यूशन टू दिस वुड बी वी नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू कीप आवर माउथ हाइड्रेटेड. अगर हम बहुत ज्यादा पानी पियेंगे तो वो जो सलाइवा की कमी है वो कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि हमारा माउथ गीला रहेगा, हाइड्रेटेड रहेगा. सेकेंड थिंग, इफ यू फील देयर इज प्रेजेंस ऑफ एनी अंडरलाइन डिजीज, गेट गो टू अ फिजिशियन एंड गेट इट चेक. इफ वी ट्रीट द डिजीज वी विल गेट अ गुड क्वान्टिटी ऑफ सलाइवा बैक इन योर माउथ. थर्ड थिंग इज कि इफ यू फील यू आर टेकिंग सम मेडिसिन जिस करके ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, गो बैक टू योर फिजिशियन एंड आस्क देम दैट इफ दिस इज द रीजन please change my medicine because my oral health is getting compromised with that. When you have dry mouth, you need to take extra care of your teeth, right? Next thing is, rather than a cause, it's a chief complaint. Patients come to us and they're like, the thing is ki pure mouth, pure din I believe my mouth is fresh, it's healthy, it smells fine, it's good. But when I wake up in the morning, I have bad breath. इसका कॉज क्या है? इस चीज का कॉज ये है कि रात को सोने से पहले टूथ ब्रशिंग अच्छे से नहीं हुई, जिस वजह से टार्टार एंड टार्टार फॉर्मेशन हो गई, जिस वजह से बैक्टीरिया वहीं पर रह गए क्योंकि वहां पे फूड स्टक था दांतों के बीच में. प्लस टंग क्लीनिंग नहीं हुई तो टंग के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया बैठे हुए थे, जो फूड स्टक था, जो भी उसकी फ्रोथीनेस थी, उसकी वाइटनेस थी, उस करके बैक्टीरिया वहीं पर रात को रह गए. क्लीन नहीं हुए तो रात को सो के ऐसा होता है यूजुअली हमारा माउथ बिल्कुल ड्राई हो जाता है. रात को व्हेन वी आर एट स्लीप सलाइवा प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट जीरो, तो माउथ की क्लीनिंग नहीं हो पाती है. बैक्टीरिया गेट अ वेरी प्रेफरेबल एनवायरनमेंट टू प्रोलिफरेट एंड टू मल्टीप्लाई, जिस वजह से वो बैड ब्रेथ कॉज करते हैं. अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? रात को सोने से पहले अगर हमने थारो ब्रशिंग करी है माउथ की, अच्छे से क्लीनिंग करी है, एज वेल एज हमने अच्छे से अपनी टंग को क्लीन करा है, विच इज द मेजर रीजन ऑफ बैड ब्रेथ व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, तो आपकी ये जो बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स हैं टू वेक अप इन द मॉर्निंग विद बैड ब्रेथ, वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं, राइट? नेक्स्ट कॉज आता है स्मोकिंग एंड एल्कोहल. इफ यू बिलीव दैट इट इज ड्यू टू योर स्मोकिंग हैबिट्स एज वेल एज योर एल्कोहल हैबिट्स, देन इट्स रियली इजी, यू नीड टू क्विट इट, राइट? नेक्स्ट कॉज वी मूव ऑन टू अ कपल ऑफ फूड्स. कुछ ऐसे तरह का खाना होता है जिसका टेस्ट हमारे माउथ में रिटेन रह जाता है और उसकी स्मेल भी वही रिटेन रह जाती है. सो वंस यू ईट इट इन द मॉर्निंग द होल डे यू कैन फील इट कि नहीं मुझे अभी भी उसी चीज का थोड़ा परसेप्शन है माइंड में कि नहीं मुझे इससे शायद स्मेल आ रही है. ऐसे फूड्स कैसे होते हैं? जैसे कि होता है गार्लिक, अनियन, कोई स्टिकी फूड्स होते हैं बहुत ज्यादा, या फिर कोई बहुत ज्यादा शुगरी फूड्स होते हैं जो दांतों में चिपक जाते हैं. वी कैन नॉट वेरी इजीली गेट रिड ऑफ देम. व्हाट टू डू इफ यू थिंक इट इज योर ओरल हाइजीन एंड योर माउथ इज गेटिंग अफेक्टेड बाय इट? प्लीज अवॉइड टू हैव दीज काइंड ऑफ फूड्स. इफ यू स्टिल वांट टू हैव देम, हैव अ गुड सेशन ऑफ ब्रशिंग योर टीथ आफ्टर हैविंग देम एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लीन योर टंग, राइट? तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या कॉजेज हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, व्हाट ऑल वी शुड डू. नाउ वी विल गेट इनटू द थिंग व्हाट ऑल वी शुड नॉट डू.
सो वॉट हैपन्स इज जब हमें सेल्फ परसीव्ड हैलिटोसिस लगता है कि हाँ शायद स्मेल आ रही है, शायद स्मेल आ रही है, तो हम अपने लेवल पर काफी रेमेडीज अपनानी शुरू कर देते हैं, जिसमें से एक होती है बहुत ज्यादा माउथ वॉश यूज करना शुरू हो जाना. माउथ वॉश कब इंडिकेटेड होते हैं? जब आपका माउथ ऑलरेडी क्लीन है, यू हैव गॉट थारो स्केलिंग डन बाय द डेंटिस्ट, देर आर नो डिपॉजिट्स, देर इज नो फूड स्टक इन बिटवीन योर टीथ. उस टाइम पर आप माउथ वॉश करें तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस फेस. माउथ वॉश डजेंट ट्रीट एनीथिंग, राइट? तो अगर माउथ वॉश आप ऐसे ही गंदे दांतों के ऊपर यूज करते रहेंगे, सो व्हाट हैपेंस इज कि जो दांतों के बीच में फूड और प्लाक ये सब स्टक होती है, उससे माउथ वॉश रिएक्ट करता है और एक और भी ज्यादा गंदी स्मेल प्रोड्यूस करता है. उस टाइम के लिए आपको लगेगा कि हाँ फ्रेशनेस है, लेकिन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू माइट फील कि नहीं, वो जो बैड ब्रेथ है वो वापस आ गई है, राइट? सो यूज माउथ वॉशेस बट ओनली आफ्टर यू हैव गॉट अ थारो स्क्लीन थारो स्केलिंग या फिर क्लीनिंग ऑफ टीथ डन बाय द डेंटिस्ट, राइट? सेकेंड थिंग इज कि देर आर दीज ब्रेथ मिंट्स अवेलेबल इन द मार्केट. मिंट कैंडीज होती हैं विच कंटेन शुगर. वो मिंट कैंडीज खाते ही फ्रेशनेस लगती है और ऐसे लगता है कि हाँ अब तो बैड ब्रेथ नहीं है. बट वॉट द प्रॉब्लम इज इट कैन नॉट ट्रीट द बैड ब्रेथ. इट कैन ओनली हाइड इट, इट कैन ओनली मास्क इट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम जब तक वो आपके माउथ में है. प्लस क्या है, ये खाने की हमें आदत पड़ जाती है, वी गेट हैबिचुअल ऑफ हैविंग दोज बिकॉज वी फील फ्रेश, वी वॉन्ट टू फील फ्रेश फॉर द होल डे. अब अगर इतने ज्यादा शुगर कॉन्टेंट वाली कैंडीज आप पूरा दिन खाएंगे, वॉट विल हैपन? यू विल डिवेलप अ हाई रिस्क ऑफ कैविटीज. यू विल कम बैक टू द डेंटिस्ट टू गेट योर कैविटीज ट्रीटेड, राइट? सो अवॉइड हैविंग दीज मिंट कैंडीज बिकॉज दे कंटेन शुगर. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पीपल आस्क अस कि ओके देन वील गो फॉर द शुगर फ्री ऑल्टरनेट्स. शुगर फ्री च्यूइंग गम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, एवरी वन नोज दैट. द प्रॉब्लम लाइज द सेम, इट विल ओनली हाइड बैड ब्रेथ, इट विल ओनली मास्क बैड ब्रेथ, इट वॉन्ट ट्रीट इट. So, in the end, I would like to conclude by saying that basically, to fight bad breath, the first problem has always been poor oral hygiene. Ek bari, it is very important that to treat it, you come to a dentist, you visit your dentist, and get a thorough scaling and cleaning of the teeth done. Ask them to guide you about brushing, ask them to guide you about tongue cleaning. That is what is going to help. Other alternates are not. So I hope I was of good help. Thank you and have a nice day.